हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने मात्रक तथा मापन जो टॉपिक हमने पीछे कवर किए हैं उन्हीं टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आई हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे या आपको क्वेश्चंस के आंसर आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इन सब का जो है ज़रूर आंसर या रिस्पॉन्स करिएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा क्लास के ऊपर आते हैं। तो देखिए, क्लास में आपको पहला क्वेश्चन क्या मेंशन कर रखा है या पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके पहला क्वेश्चन दिया है कि एम के एस पद्धति से क्या तात्पर्य है, यानी ये क्या पूछ रहा है आपका, एम के एस पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ए ऑप्शन की बात करें तो ए में क्या दे रखा है आपका, मीटर केल्विन सेकंड। बी की बात करें तो माइक्रो किलोग्राम सेकंड। सी की बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी प्रकार अगर डी ऑप्शन की बात करें तो डी में क्या देखा आपका, माइक्रो केल्विन सेकंड। तो इसमें से सही अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सी टिक हो जाएगा, यानी इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है, यानी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में से पूछ रहा है कि न्यूटन जो है वो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए, बल दे रखा आपको, ऊर्जा, दूरी और विस्थापन। तो न्यूटन जो है वो किसका है, ए नंबर ऑप्शन, और ए नंबर ऑप्शन में क्या है आपका, बल, यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, यानी आपको चार ऑप्शन दिए और पूछ रहा द्रव्यमान की इकाई कौन सी नहीं है। तो इसमें आप क्या बताओगे, द्रव्यमान की इकाई में पाउंड, केजी, यानी कि किलोग्राम या ग्राम या डाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाइन, यानी डाइन जो है इसकी क्या हो जाएगी, डाइन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी द्रव्यमान की जो इकाई है वो डाइन नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ फेरड किसका मात्रक है, फोर्थ क्वेश्चन, फेरड किसका मात्रक है, तो फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से। तो आपके फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, फेरड किसका मात्रक है, तो फेरड आपका है धारिता का, यानी अगर मैं फेरड की बात करूँ तो किसका हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी सॉरी सी नंबर ऑप्शन, यानी कि धारिता का। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ, कार्य का सी जी एस मात्रक है, तो कार्य का आपका जो है सी जी एस मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, न्यूटन, जूल, अरग, पाउंड। तो आपके कार्य का सी जी एस मात्रक क्या होगा, अरग होगा, सी नंबर ऑप्शन। अब अगर मैं बात करूँ, एक पाउंड का मान है, छः नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए ये जो कोई भी अगर आपको वैल्यू पूछता है यानी मान पूछता है, तो वो जो मान होता है वो आपको साइंटिफिक मान होता है। वो आप बुक आपको जो है, आप अगर ये सोचोगे कि ये मान कहाँ से आया, तो आप इसका पता नहीं लगा पाओगे। ये साइंटिफिक मान है जो वैज्ञानिकों के द्वारा दे दिए गए हैं और हमें इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक पाउंड के मान की बात करूँ तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 453.59 ग्राम, यानी 453.59 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब अगर मैं सात नंबर ऑप्शन की बात करूँ तो सात नंबर में देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको, दो ही भौतिक राशियाँ ऐसी है जो क्या है, पूरक मात्रक या संपूरक मात्रक का उदाहरण है। तो इसमें आपके आ गया पूरक मात्रक का उदाहरण क्या है। तो मैंने जब आपको ऐसा यूनिट पढ़ाई थी तो उसमें बताया था ना कि मूल मात्रक जो सात होते हैं आपके, और दो जो क्या होते हैं आपके, संपूरक मात्रक। और उन दो संपूरक मात्रक में दो कौन कौन से आए थे, एक तो आपका क्या हो गया, घनकोण। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए इसका ऑप्शन में आपका सी में घनकोण दिख रहा, तो आप किसको टिक कर दोगे, घन कोण को। अब अगला क्वेश्चन आठ नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, तो ताप की इकाई कौन सी हो जाएगी। आपको तीन ऑप्शन दे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। तो इनमें देखिए ताप को किस में मापा जाता है, सेल्सियस में भी मापा जाता है, फारेनहाइट में भी मापा जाता है, और आपका किस में, केल्विन में भी मापा जाता है। तो इसमें जो आपका चार नंबर ऑप्शन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी क्या है आपके, ताप की इकाई है।
अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, 4 कौन कौन से, लघु समय अंतराल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान। तो चारों में से भौतिक राशि किसकी पूछ रहा है आपको, प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष किसकी है आपकी, दूरी की, और दूरी कितने नंबर पे है, 3 नंबर ऑप्शन में है। तो आप क्या टिक करोगे, सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, 10वां। 10वां क्या है, बल का मात्रक होता है, यानी कि अगर मैं बल के मात्रक की बात करूं तो आपका बल का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें ए नंबर ऑप्शन के ऊपर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ए नंबर ऑप्शन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दे रखा है आपका, न्यूटन पर केजी मात्रक है, यानी क्या पूछ लिया अब आपको, यानी मात्रक दे दिया और भौतिक राशि पूछ रहा कि कौन सी भौतिक राशि है। तो न्यूटन पर केजी का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन पर केजी किसका मात्रक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर बताइए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, और बी में आपका क्या है, त्वरण। अब देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो अगर हम लंबाई की जो है न्यूनतम यानी सबसे कम इकाई या कम मान किस में आता है, तो सबसे न्यूनतम इकाई की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए में माइक्रोन दे रखा, बी में नैनोमीटर, सी में एंगस्ट्रोम और डी में फर्मीमीटर। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी फर्मीमीटर। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ 13 की, यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर के अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपको मैंने पीछे लिखवा चुकी हूं, तो क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए नंबर पर एम्पियर, बी पर वोल्ट, सी पर ओम, डी पर वोल्ट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चन की, तो 14 में क्या दे रखा, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है, यानी जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन दे रखा, हर्ट्ज। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, हर्ट्ज। अब आगे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किलोवाट घंटा एक मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा आपका, 15 में भी आपका क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अब अगर मैं बात करूं 16 क्वेश्चन की, तो 16 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपके, 1 जूल का मान क्या होगा। तो मैं 1 जूल के मान के बात करूं तो इसमें क्या दे रखे, 4 ऑप्शन, यानी चारों के चारों ऑप्शन देखिए अच्छे से, किसकी पावर में दे रखे, 10 की घात में, यानी 10 की पावर में, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 10 की घात 7 अरग। अब अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 और 18 दोनों क्वेश्चन देखिए आपको जो है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज यानी सदिश और अदिश राशियां मैंने आपको करवाई थी, उन्हीं में से क्वेश्चन, और उनके लिए मैंने आपको एक एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक को जो है यहाँ दोबारा आप एक बार याद कर लीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रिक को याद कर लीजिए। अगर मैं किसकी बात करूँ, सदिश राशि के लिए जो ट्रिक थी उसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, विषुवत बल आभास हुआ। अब देखिए उस विषुवत बल आभास हुआ उसी ट्रिक से आपके यहाँ से ऑप्शन कट करना भी सीखिए। आप कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन दे रखें तो आप कट करके भी सही आंसर का आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें पहले मैं पूछ रहा कि कौन सी अदिश राशि है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे, विस्थापन, वेग, बल और आयतन, तो इसमें से अदिश पूछ रहा। तो देखिए मैंने ट्रिक क्या बताई, सदिश के लिए आपको विषुवत बल आभास हुआ, अब वी से आपका विस्थापन बन रहा तो ये क्या हो गया, कट हो गया, यानी ये तो नहीं आएगा। अब अगर मैं विषुवत बल आभास हुआ, अब आगे देखिए बल आ रहा है, बल भी क्या हो गया आपका, कट हो गया, और वेग भी क्या हो गया आपका, कट हो गया। तो बचा क्या आपका, आयतन, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन, यानी आयतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके अगले क्वेश्चंस की, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा आपके, 18 नंबर क्वेश्चन में सीधा सा पूछ लिया कि सदिश राशि कौन सी है, और वही 4 ऑप्शन दे दिए।
तो इन चार ऑप्शन से आप कैसे करोगे? बात किसकी कर रहा है? सदिश की। तो मैंने क्या आपको अभी भी ट्रिक बताई थी, यानी विषुवत बलाभास, उसी से आपका इसमें निकल के आ रहा है। तो देखिए, ऊपर दूरी क्या है आपकी, अदिश, चाल क्या है आपकी अदिश, और समय क्या है आपका अदिश। तो इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन 18 में आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। यानी विस्थापन एक ऐसी भौतिक राशि है जो क्या, सदिश राशि है। अब देखिए 19 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी, इसमें देखिए विमा के बारे में पूछा। तो विमा के बारे में हम जो है कभी बाद में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो आप इसका आंसर देख लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, समझने वाला है, अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विम ये सूत्र है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी है उसका क्या बोल रहा है, ये विम ये सूत्र, यानी विमा के रूप में इसका मान पूछ रहा। तो सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे कभी भी विमा पूछ ले तो विमा को हमेशा ब्रैकेट के अंदर यानी इस तरह से दर्शाया जाता है, और इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एम एल और टी। अब देखिए एम एल टी लिखी जाती है, और जो पावर्स में लगाया जाता है वो आपके मात्रक के अकॉर्डिंग या जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 में चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चार ऑप्शंस में से आपके 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है, एम माइनस वन एल माइनस एल थ्री और टी माइनस टू, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू। अब अगर मैं अगले 20 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो 20 नंबर में आपके क्या दे रखा, शक्ति का विमीय सूत्र है, यानी ये क्या पूछ रहा है आपसे, शक्ति का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो आपके शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या है, विमा ही पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन एम एल टू टी माइनस थ्री और ब्रैकेट बंद। अब एक बात याद रखना कि अगर एम के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ हम एक भी मान सकते हैं, यानी एम की पावर हम क्या दर्शा सकते हैं, एक भी यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो दूध के जो घनत्व है उसको कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर मैं 22 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो 22 में आपके क्या है, रक्त दाब मापने का यंत्र है। तो रक्त दाब मापने के लिए आपके कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए। तो रक्त दाब मापने के लिए कौन सा लेते हैं हम, बात करूँ आपकी सी नंबर ऑप्शन की, तो सी नंबर ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, सिग्नोमेनोमीटर, सिग्नोमेनोमीटर। अब देखिए इसके बाद आता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या है। तो गैसों का जो दाब मापने का यंत्र है वो क्या है, मैनोमीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर मैं आगे बात करूं 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, आपको क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी ऑडियोमीटर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आप 25 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, तो 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए सीधा सा आपसे क्या पूछ रहा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो जो झूठ है उसका पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र है, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ए नंबर में क्या दे रखा है आपके, पॉलीग्राम, यानी ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए चाहे आप इस क्वेश्चन को। देखिए एक सूची दे रखी है ना, मिलान करना है आपको, दो सूचियां दे रखी है, एक साइड आपके क्या लिख दी, मात्रक लिख दी, दूसरी साइड आपके क्या लिख दी, राशियां लिख दी, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा, नीचे कुछ आपके इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले मैं एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ, देखिए वोट, वोट किसका मात्रक है, शक्ति का। तो एक एक ही बात करें तो ए में क्या आ जाएगा आपका, चार नंबर। अब बी वोल्ट, वोल्ट किसका है, विवांतर का। तो बी में क्या आ जाएगा आपका, तीन नंबर। इसी प्रकार जूल की बात करें तो जूल किसका है, कार्य का, यानी दो नंबर ऑप्शन। अब अगर एम्पियर की बात करें तो यानी धारा या विद्युत धारा होता तो वो भी आपका क्या होता, सही होता। अब हमने क्या कर लिया, इसको अच्छे से मैच कर लिया। अब देखते हैं ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में आपके क्या क्या दे रखे हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और डी नंबर में आपके क्या दे रखे हैं, 4 3 2 1, यानी कि सबसे पहले अगर हम वोट की बात करें तो वोट का क्या हो जाएगा आपका, शक्ति।
उसके बाद अगर दो नंबर पर बात करें, दो नंबर पर वोल्ट दे रखा, तो वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका विभवांतर। इसी प्रकार तीन नंबर पर जूल दे रखा, जूल का आपको पता है किसका मात्रक है, कार्य का, और आगे है एम्पियर, एम्पियर किसका आपका धारा का मात्रक है। इसी प्रकार आपको 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा, और 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सुमेलित नहीं होगा, इसकी बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि फेदोमीटर लंबाई को मापने का जो क्या है आपका यंत्र है वो मैच नहीं है। अब अगर ऊपर बात करें एमीटर, एमीटर का कौन से क्या मापने के काम आता है, तो धारा मापने के, थर्मामीटर ताप को मापने के लिए, और अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए। इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 27 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि आपने जितना पढ़ा उनसे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आया, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके आर्मी में पुटअप किए जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, डेली क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी सजेशन देना हो क्लास से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक से कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बी कंटिन्यू प्लीज एंड ज्वाइन दिस क्लास ऑलवेज। थैंक यू।